हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर 12th बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का रिवीजन, वो भी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड से। हम आपको बताएंगे कि साथ में साथ कि कहां से, किस चैप्टर से, किस लाइन से, किस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन आ चुका है और किस ईयर में आया हुआ है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहां से ज़्यादा बार जो वो नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर इस चैप्टर के वेटेज की बात करें जो रिसेंट ईयर में 2020-2021 इस टाइप से लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर, तो इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है। 3-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं और ये देखिए कि ये चैप्टर जो काफ़ी स्मॉल चैप्टर यानी टोटल 4 पेजेस के अंदर ये कंप्लीट होता है, तो हर एक पेज में आप ये मानिए कि एक क्वेश्चन आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको बता दूं क्लास 11th और क्लास 12th सभी चैप्टर हम अभी इससे पहले वाले तक जो कंप्लीट करवा चुके हैं, आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल पर वीडियो सेक्शन चेक कर सकते हो। इस चैप्टर में टॉपिक आएंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर और मेडिसिन के अंदर, फिर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स और एथिकल इशू के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट चैप्टर हमारा था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, और वहाँ पर हमने ये बात की थी कि वहाँ पर जो चीज़ें हम बनाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं किसका, बायोफार्मास्यूटिकल्स का, और इसके अलावा जो बायोलॉजिकल यूजिंग जो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स होते हैं, जैसे आपके फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स वगैरह हो गए और माइक्रोब्स वगैरह हो गए, तो वो चीज़ें भी वहाँ पर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है और चीज़ें पता लगाई जाती है। अब आप कहोगे फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, यहाँ पर हम क्या करते हैं, थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड में, बायोरेमेडिएशन में, वेस्ट ट्रीटमेंट में और एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, वहाँ पे अलग अलग जगह एप्लीकेशन आती है। यानी थेरेपी कोई दे रही है उसके अंदर यूज़ आ सकता है, कोई चीज़ को डायग्नोस करता है अलग अलग डिजीज वहाँ पर आता है। जो एग्रीकल्चर होती है वहां पर तो हम अभी डिटेल में पढ़ने ही वाले, सबसे पहले वही पढ़ेंगे हम। प्रोसेस फूड को अगर प्रोसेस करना है, उसको स्टोर करना, वहां पे आता है। बायो रेमेडिएशन क्या होता है ना, व्हाट इज द बायो रेमेडिएशन, यानी कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको यूज करते हुए हम अगर पोल्यूटेंट्स वगैरह या टॉक्सिन चीजें वगैरह वहां से रिमूव कर रहे हैं कहीं एक पर्टिकुलर पोजीशन से, तो वो बायोरेमेडिएशन के अंदर आता है। वेस्ट ट्रीटमेंट हमें पता है और एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी चीजों का यूज होता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिया है कि 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अभी भी ऐसी रिसर्च एरियाज है क्रिटिकल जहां पर काम चल रहा है कंटिन्यूसली, वो क्या चीज होता है। पहले चीज, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब और प्योर एंजाइम, यानी या तो हम एक माइक्रोब्स या फिर प्योर एंजाइम की फॉर्म में कैटलिस्ट जो है वो प्रोवाइड करें। सेकंड क्या हो सकता है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू आउट द इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट, यानी जब तक वो एक इंजीनियरिंग प्रोसेस चल रहा है, जब तक वो प्रोडक्शन का काम चल रहा है, किसी रॉ मटेरियल से हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं वही तो कैटलिस्ट का यूज होता है, तो यहाँ पर उस टाइम पर हमें ऑप्टिमल कंडीशन जो उसको प्रोवाइड कर पाए थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड थर्ड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, इसके बारे में डिटेल में लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। एंड टेक्नोलॉजी टू प्योरीफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्योरीफाई भी कर पाएं। यहाँ पे ये कंटिन्यूस जो है वो रिसर्च चलती रहेगी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। क्लियर है, ओके। यहाँ पर हम जो बायोटेक्नोलॉजी का मेनली क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करें ह्यूमन लाइफ की, और यहाँ पर स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ फूड प्रोडक्शन और हेल्थ के अंदर जो वो ज़्यादा यूज हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर के अंदर 3 ऑप्शन थे, जो वहाँ पर भी अगर हमें फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो 3 जो ऑप्शन है वो किसी भी एक फार्मर के पास होते हैं जो भी एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड होता है। पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करेंगे और फिर जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करेंगे, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे यही हुआ था। क्लियर है, उसके बाद में अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो सेकेंड हो सकता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसके बारे में भी कई चैप्टर में डिटेल कर चुके हैं। बट थर्ड आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम जो वो उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करें। अब यहाँ पर लिखा ही हुआ है, देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था कि हमने जो प्रोडक्शन था उसको ट्रिपल कर दिया था अपनी फूड सप्लाई का, बट ये भी इनफ नहीं था क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई रेट पर जो वो ग्रो कर रही है, तो इस वजह से क्या हो जाए, जो ईल्ड है, जो यानी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना जो है वो यहाँ पर एक इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज में इम्पॉसिबल है। यानी हम पार्शली बहुत थोड़ा सा ही उसको इंक्रीज कर पाएंगे, एक टाइम पे जाके वो चीज़ जो है वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। बट मेनली ड्यू टू द यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो वहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन पे हो क्या रहा था, हम जो है उसके ईल्ड को कुछ एक टाइम पे इम्प्रूव तो कर पाए, बट हमने वहाँ पे यूज़ किसका किया, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यानी बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करके हम ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे अपनी प्रोडक्शन उसको 3 टाइम पहुँचा पाए।
हाउएवर द फार्मर इन द डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया लाइक, वहाँ पर एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव, वहाँ पर जो ये एग्रोकेमिकल्स वगैरह हैं ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड फर्दर इंक्रीज इन यील्ड विद एक्सटेंसिव एग्जिस्टिंग वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल, यानी जो एट अ टाइम जो वेराइटी है उसके अंदर हम केमिकल डाल डालकर जो है उसको जो यील्ड है उसका जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बढ़ा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा कन्वेंशनल जो ब्रीडिंग प्रोग्राम था जो हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ा भी था, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर, तो वो चीज़ें भी एक टाइम पर जाके रुक जाती है। तो इसीलिए एनी अल्टरनेटिव पाथ दैट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स, यानी अब हम एक अल्टरनेटिव पाथ लेना होगा जहाँ पर हम जेनेटिक्स की अंडरस्टैंड को करते हुए क्या करेंगे कि वहाँ पर मैक्सिमम यील्ड जो है वो ऑब्टेन कर पाए जो फार्मर है उसके फील्ड से। इसके अलावा यहां पर जो फर्टिलाइजर और केमिकल्स का जो यूज हो रहा है उसको भी मिनिमाइज कर पाए, काफी कम कर पाए, ताकि उनके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर कम हो पाए। तो यहां पर जो आएगा वो यूज आएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज ए पॉसिबल रिजोल्यूशन, यानी ये थर्ड पॉइंट यहां पर यूज आएगा और जो कि हम बात करते हैं किसके बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब यहां पर लिखा हुआ है देखिए, प्लांट्स बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism। यानी कोई प्लांट हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकती है, कोई फंजाई हो सकता है, कोई भी एनिमल्स हो सकता है, उसके जीन को एल्टर्ड यानी थोड़ा बहुत चेंज कर पाए, मैन्यूपुलेट कर पाए, तो उसको हम अगर उसके जीन को चेंज करें हैं तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, मतलब उसमें कुछ चेंज ले आए हैं, तो वो जो ऑर्गेनिज्म था वो क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बाइक या कार लेते हैं तो फिर उसके अंदर कुछ अपनी तरफ से चेंज करवाते हैं, जो कंपनी से आए वो तो है ही है बट अपनी तरफ से उसमें कोई एलॉय व्हील डलवा लिया, कोई म्यूजिक सिस्टम चेंज करवा लिया, तो हम क्या बोलते हैं, इसको मॉडिफाई करवाया, ये मॉडिफाइड है। तो वो मॉडिफाइड का क्या है कि वो जो कार थी वो मॉडिफाइड हो चुकी, इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो जीन थे उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज ले आए, तो वो क्या हो गया, जेनेटिकली चेंज लेके आए, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया क्या, ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे लिखा है जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज, अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत तरह से यूज हो सकते हैं। पहला, मेड क्रॉप मोर टॉलरेट टू ए बायोटिक स्ट्रेस, यानी अलग अलग टाइप की जो उनके ऊपर जो स्ट्रेस आती है प्लांट के ऊपर उसको ज़्यादा टॉलरेट कर पाएंगे, यानी ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट आ गया, ड्रोट आ गया, सोल्टी एरिया ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हीट आ गई, जैसे अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको ज़्यादा टॉलरेट कर पाए और इस टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा ग्रो हो पाए। सेकेंड है रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, अब रिलायंस का नाम तो बहुत लोगों ने सुना है, आपको ही पता है कि क्यों सुना होगा, तो रिलायंस का मतलब क्या होता है, रिलायंस का मतलब होता है ट्रस्ट, रिलायंस का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट होता है, यानी जो ट्रस्ट है केमिकल पेस्टिसाइड की, भाई केमिकल वगैरह यूज कर लो और फिर इसको जो है वो प्रोडक्शन वगैरह बढ़ा, तो उसको हम कम कर पाए, रिड्यूस रिलायंस यानी जो ट्रस्ट है केमिकल पे वो कम कर पाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो क्रॉप्स है उसको पेस्ट रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। थर्ड है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, अब हार्वेस्ट करके निकाल लिया फिर उसको और भी बहुत सारी चीज़ें स्टोरेज में और इन चीज़ों में भी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाता है, तो उसको भी कम कर पाए। फोर्थ आता है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज, यानी एक जो प्लांट है वो अपना जब फूड बना रहा है तो वो कितने सारे सॉइल में से मिनरल यूज कर रहा है, उसको भी जो है एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो वो मिनरल कम यूज कर पाएगा, इस तरह से क्या होगा, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी, ताकि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो काफ़ी टाइम तक बनी रहेगी। फिफ्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप कहोगे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसे 2005 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में और नीट 2015 में और 19 में सिर्फ फिफ्थ पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है भैया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, न्यूट्रिशन जो है फूड के अंदर, उसको भी हम बढ़ा पाएँ। फॉर एग्जाम्पल है गोल्डन राइस, और गोल्डन राइस में हम क्या करते हैं, जो विटामिन ए है वो इनरिच जो राइस होता है उसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस, ऐसा नहीं है कि गोल्ड कलर का हो गया तो गोल्डन राइस, ये चीज़ आपको क्लियर होगी, यहाँ से इतनी बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ओके, तो ये सब कुछ थे जिसकी वजह से हम अलग अलग चीज़ें जो वो अपनी चीज़ें कर सकते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड के अंदर क्या होता है, हम टेलर मेड का क्या होता है, मतलब आप सिंपल एक कपड़ा लेके जाते हो और उसे अपने अकॉर्डिंग शर्ट वगैरह बना लेते हो ना, जैसे आपको चाहिए होती है, क्लियर है, और रेडीमेड कपड़े आते हैं तो वहाँ पे कोई टेलर वगैरह बैठा होगा, कुछ चीज़ें बैठी होगी जो आपको उसी टाइप का चीज़ें बनी बनाई दे देती है, रेडीमेड का मतलब ये है, तो उसको टेलर मेड भी बोल सकते हैं और रेडीमेड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसकी वजह से क्या होगा, हम कुछ ऐसी चीज़ें बना देंगे, ऐसे प्लांट्स बना देंगे तो कि जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है, जो जहाँ पर उनको चाहिए स्टार्च, फ्यूल, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ है, उनको जो चीज़ें चाहिए, जो रिसोर्स चाहिए, वो एक्चुअली रिसोर्स उनके पास पहुँच पाए, तो उस टाइप के प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं, किसकी वजह से, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की वजह से।
क्लियर है। अब यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर, और इसको हमने चैप्टर 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा था। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू हैव स्टडी इन द डिटेल एंड द प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट विच यू को डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, और हमने पढ़ा था बीटी टॉक्सिन। अब यहाँ पे लिखा है बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम बेसिलस थ्रंजाइनेसिस, और इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोलते हैं बीटी। क्लियर है। ओके तो यहाँ पे जो बेसिलस थ्रंजाइनेसिस होता है, जिसको हम बीटी भी बोलते हैं, ये क्या करता है, इसके पास होता है एक जीन बीटी टॉक्सिन जीन, और इसको हम क्लोन करते हैं बैक्टीरिया से और फिर इसको प्लांट्स में डाल देते हैं, और ये क्या करता है, जो इंसेक्ट होते हैं उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और अगर ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इंसेक्ट, तो इससे का मतलब है उस प्लांट को इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो जीन था बीटी टॉक्सिन जीन वाला, वो हमने ऑलरेडी इस प्लांट में डाल दिया है, तो अब इंसेक्टिसाइड वहां पर आ चुका है, तो इसकी वजह से इंसेक्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा। इनफैक्ट क्रिएटेड है बायोपेस्टिसाइड। अब ये जो पेस्टिसाइड है उसको क्या बोला जाता है, बायोपेस्टिसाइड बोला जाता है, यानी बायोलॉजिकली उसके अंदर पेस्टिसाइड हमने डाल दिया है। एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे बीटी कॉटन हो सकता है, बीटी राई, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटेटो, सोयाबीन वगैरह, जो वो इस टाइप से ग्रो किए जाते हैं। ये वाला जो बेसिलस थ्रंजाइनेसिस काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहां से 2005 में, 9 में, 10 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहां से बीटी कॉटन वाले सेक्शन से, यहां से भी आपको स्टार्टिंग के चार लाइनें याद रखनी है, क्योंकि यहीं से वो बताए थे 5, 9, 10, 20, यहीं से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, सम स्ट्रेन ऑफ बेसिलस थ्रंजाइनेसिस, आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, आपको पता है, तो यहाँ पर जो बेसिलस थ्रंजाइनेसिस के कुछ एक स्ट्रेन होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस प्रोटीन, यानी वो कुछ प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, और वो प्रोटीन क्या करती है, कुछ एक इंसेक्ट जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ये जो प्रोटीन होती है वो इंसेक्ट स्पेसिफिक होती है, उनको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, तो किल सर्टन इंसेक्ट, जैसे हो सकता है लेपिडोप्टेरन्स, आपको पता है इंसेक्ट फर्दर डिवाइड होता है, जैसे लेपिडोप्टेरन्स हो गया, कोलियोप्टेरन्स हो गया, डायप्टेरन्स हो गया, इस टाइप से। तो यहाँ पे लेपिडोप्टेरन्स किसको बोलते हैं, जो टोबैको वुडवर्म हो गई, आर्मी वर्म हो गई, कोलियोप्टेरन्स को भी कर सकता है जैसे बीटल्स हो गई, डायप्टेरन्स को भी कर सकता है जैसे फ्लाइज हो गए, मॉस्किटोज हो गए, तो इन सबको जो है यहाँ पे जो प्रोटीन प्रोड्यूस करा है बेसिलस थ्रंजाइनेसिस कुछ एक स्ट्रेन, वो इनको किल कर सकते हैं, तो इसलिए इनको किल करने के लिए हमें केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिलस थ्रंजाइनेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद में वो एक जो क्रिस्टल की फॉर्म में प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो क्रिस्टल होते हैं उनके पास में होता है टॉक्सिन, इसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, तो इसीलिए जो प्रोटीन होते हैं इनको बोल देते हैं इंसेक्टिसाइडल, यानी जो इंसेक्ट को किल करने वाले प्रोटीन। व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बेसिलस, अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अगर ये टॉक्सिन है तो ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रहा है, यानी उसी बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोड्यूस हो रही है टॉक्सिन, तो ये उसी बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार रही है, तो अब ध्यान से समझिए। एक्चुअली जो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन होती है वो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में रहती है, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं यहां से आपके 2009 में, 11 में, 15 में और 19 में क्वेश्चन आ चुका है, जो अभी स्टार्ट किया यहां से। अब यहाँ पे याद रखना है बीटी टॉक्सिन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो इनएक्टिव यानी प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में होती है, बट जैसे ही वो इंसेक्ट के अंदर जाती है तो वो इनएक्टिव टॉक्सिन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव टॉक्सिन के अंदर। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन क्या होता है? बेसिक पीएच। हमारे अंदर क्या होता है? एसिडिक पीएच। तो यहां पे क्या होगा, प्रोटोटॉक्सिन जो है वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन पीएच, जो कि उसके गट के अंदर प्रेजेंट रहता है। किसकी गट में? जो कि इंसेक्ट जो उसको इंजेस्ट किया है उसकी गट में। और उससे क्या होगा, ये जो क्रिस्टल है प्रोटीन के वो सोल्यूबलाइज हो जाएंगे और एक्टिवेटेड जो टॉक्सिन होगा वो मिडगट जो एपिथेलियल सेल होंगे उसके साथ में बाइंड कर देगा और फिर क्या करेगा, वहां पे पोर्स क्रिएट कर देगा, यानी चौछेदी सिंह वाला डायलॉग है, कितने छेद करेंगे इतने छेद करेंगे, वो यहां पर कर दिए जाएंगे और उसकी वजह से सेल स्वेलिंग हो जाएगी, सेल लाइसिस यानी सेल ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसकी वजह से जो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। क्लियर है? तो इस टाइप से यहाँ पर ये वर्क करता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम बेसिलस थ्रंजाइनेसिस, यानी जो बेसिलस थ्रंजाइनेसिस है उससे सबसे बीटी टॉक्सिन जीन आइसोलेट किए गए, बाहर निकाले गए, इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप, अलग अलग क्रॉप के अंदर उनको डाले गए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, उसको बोल दिया बीटी कॉटन। अब यहाँ पे द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप, अब हम कौन सा जीन लेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, द चॉइस ऑफ जीन इज डिपेंड अपॉन द क्रॉप, पहला तो है क्रॉप, यानी वो क्रॉप कौन सी है, जैसे कॉटन हो सकता है, राइस हो सकता है, कॉर्न हो सकता है, तो इस टाइप से वो कौन सी आपकी सबसे पहले देखा जाता है, क्रॉप कौन सी है, फिर देखा जाता है टारगेट पेस्ट कौन सा है,
जैसे आपके कोलियोप्टेरेंट्स हो सकते हैं, मान लें बीटल्स हो सकते हैं, टोबेको वुडवर्म जैसे लेप्टोप्टेरेंट्स हो सकते हैं, डाइप्टेरेंट्स हो सकते हैं जिसमें फ्लाइज मॉस्किटो होते हैं, तो वो दो चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद में उस जीन को चॉइस करके और बाहर निकाला जाता है और फिर उसको उसके क्रॉप में डाला जाता है। एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, मैंने बोला था ना कि एक इंसेक्ट का पूरा ग्रुप होगा, जैसे डाइप्टेरेंट्स का ग्रुप हो गया, लेपिडोप्टेरेंट्स का हो गया, कोलियोप्टेरेंट्स का हो गया, इस टाइप से इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को जो वो टारगेट करेंगे। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय ए जीन क्राई वन, ए जीन नेम्ड क्राई, जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकाल के कोड किया गया, तो वो जो जीन निकला वो क्या निकला गया, क्राई जीन बोला गया उसको, और ये निकाला गया था क्राई वन ए सी से। क्लियर है? अब देखिए, देर आर नंबर ऑफ देम, यानी जो क्राई जीन है उसके बहुत एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन क्राई वन ए सी एंड क्राई टू ए सी कंट्रोल द कॉटन बुल वर्म, यानी जो क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी जो जीन है उनसे निकलने वाली जो प्रोटीन है, जो वो प्रोटीन बनाएंगे वो कंट्रोल करती है कॉटन बॉल वर्म को, और जबकि क्राई वन ए बी जो है वो कंट्रोल करती है कॉर्न बोरर को। अब इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि यहाँ पे क्राई वन ए बी है और यहाँ क्राई टू ए बी है, तो याद कैसे रखोगे? टू में देखिए डबल टी आ रहा है, डबल एल आ रहा है, देखिए कॉटन में डबल टी फिर डबल एल, तो अब यहाँ पे डबल डबल आ गया, तो यहाँ पे डबल वाले जो होगा टू ए बी वाला वो यहाँ पर होगा, दो ही यहाँ पे डबल जीन होंगे और यहाँ पर केवल क्राई वन ए दिया हुआ है। ए आई पी एम टी 2008 में क्वेश्चन आया हुआ और ये आपको दिखाई तो दे रहा है, ये आपका बोलवोम है। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रॉयड बाय द बोलवॉर्म, ये बोलवॉर्म से डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये फुल्ली मैच्योर कॉटन बोल है। क्लियर हो चुका होगा आपको यहाँ तक। अब हम बात करते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के बारे में, और ये जो पहला पैराग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ए आई पी एम टी 2011 में, 12 में, 13 में, फिर नीट 2016 में, 19 में और नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अब होता क्या कि बहुत सारे नेमेटाइड जो है वो पैरासाइट है, किसके लिए? प्लांट्स, एनिमल्स के लिए, और इवन ह्यूमन बींग्स में भी जो है वो नेमेटाइड क्या हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं। अब उन्हीं में से एक नेमेटाइड लेते हैं जिसका नाम है मेलोटिजाइन इनकोग्निशिया। ये क्या करता है, जो टोबैको प्लांट होता है उसकी जो रूट होती है उसको इन्फेक्ट करता है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो टोबैको प्लांट है उसकी रिडक्शन जो है, ईल्ड यानी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो हम इसको कैसे स्टॉप करेंगे विदाउट कुछ केमिकल वगैरह यूज़ करते हुए, यानी ऐसा इंटरफेरेंस लिया है यहाँ पर कि उसकी वजह से यहाँ पर ये जो इनकी रूट्स वगैरह वो इन्फेक्ट ना हो। ए नोवल स्ट्रेटजी वॉज एडॉप्ट टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आर एन ए इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, वो जो प्रोसेस यूज़ किया गया वो है आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये क्या होता है ये हम बात करते हैं। आरएनए इंटरफेस जो होता है वो लगभग सभी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और ये एक मेथड है सेलुलर डिफेंस का, यानी सेल्स को डिफेंस करने के लिए ये मैकेनिज्म जो यूज होता है सभी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब इस मेथड के अंदर होता क्या है, देखिए ये मेथड कैसे काम करता है। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग of a specific mRNA due to complementary DS यानी double stranded RNA molecule that bind to and prevent translation of the mRNA that is silencing। अब ये silencing होती कैसे है इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक टोबैको प्लांट की रूट है, मैं इसको बोल रहा हूँ ये टोबैको प्लांट की क्या है, रूट है, और ये जो है वो एक नेमेटोड मान लेते हैं जिसका नाम है मेलेटोजाइन इनकोग्निशिया। क्लियर है? ओके अब यहाँ पर होता क्या, जैसे ये रूट है इसके अंदर अपना डीएनए होगा, सेंट्रल डोगमा याद कीजिए, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन, ये तो हमें पता है, यानी यहाँ पर भी जो भी डीएनए उसको प्रोटीन बनाने तो आरएनए के थ्रू होकर जाता है। अभी हम बाहर से एक ऐसा जीन लेकर आते हैं, क्लियर है, वो क्या करता है एक आरएनए बनाता है, यहाँ पर जो आरएनए ये बनना है डीएनए से आरएनए उसी टाइप में जो आरएनए बनता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो इसके अंदर दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और सेकंड स्ट्रैंड को बोलते हैं यहाँ पर एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्लियर हो गया? एक को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और एक को बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्लियर है? ओके अब यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ में, इसलिए बना लेता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ये मेलेटिजाइन इनकोग्निशिया आएगा यहाँ पर इस रूट के अंदर, किसकी रूट के अंदर, जो हमारा प्लांट है उसके रूट के अंदर जैसे ही मेलकोग्निशिया आएगा वो क्या करेगा, डीएनए से बनाएगा आरएनए, और आरएनए कौन सा बनता है, एमआरएनए। तो यहाँ पर जो ये पहले से ऑलरेडी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये जो इसका एमआरएनए है, एमआरएनए से फिर आगे प्रोटीन बननी है, उस प्रोटीन को स्टॉप करने के लिए जो एमआरएनए बनेगा इसी एमआरएनए को ये क्या कर देगा, कट कर देगा अलग अलग स्मॉल पार्ट्स के अंदर, कट करके इसको साइलेंस कर देगा, यानी इस एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनाने देगा कौन, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो हमने बनाए हैं इस रूट के अंदर, वो वाला डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इस एमआरएनए को साइलेंस कर देगा, यानी इसको अपना काम नहीं करने देगा, प्रोटीन नहीं बनाने देगा।
ये प्रोसेस होता है। तो हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यानी ये वाला जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसका सोर्स कहाँ से लेके आए हैं, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय ए वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, यानी एक ऐसा वायरस जिसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन वगैरह हो चुका है आरएनए जीनोम, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोसोन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोसोन्स दैट रेप्लीकेट विया एन आरएनए इंटरमीडिएट, यानी जो एक आरएनए है वही रेप्लीकेट करके अपना कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएगा और डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोसोन्स की हेल्प से। क्लियर हो गया। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, अब हम यहाँ पर बात करें कि इसको कैसे स्टॉप करेंगे वो समझिए। देखिए यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमोटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्लांट, यानी जो टोबैको की वो जो रूट थी वो हो गया होस्ट प्लांट। क्लियर है। इसके अंदर जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो था, जो वेक्टर था, उस वेक्टर की मदद से हमने कहीं किसी वायरस वगैरह या कहीं से भी बाहर से वो जीन ले आए जो नेमोटेड स्पेसिफिक था, यानी जो निमोटोड आने वाला था उसका स्पेसिफिक जीन था वो पहले से इस रूट के अंदर हमने डाल दिया। किसकी हेल्प से? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन वेक्टर की हेल्प से, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था इसके बारे में। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट, ये जो डीएनए इंट्रोड्यूस किया है ये ऐसा किया है, इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। समझ चुकी हो ना, जो आरएनए वो डबल स्ट्रैंड है, तो एक का नाम हमने क्या दे दिया यहां पर, ये हमारा सेंस स्ट्रैंड हो गया और ये वाला एंटी सेंस स्ट्रैंड हो गया इन द होस्ट सेल। ये जो दो आरएनए बनाए हैं हमने वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है और क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेंगे। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो के इसको क्या बना लेंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेंगे। ये चीज जो मैंने पहले बताई थी वो अब आपको समझ में आ गई चुकी होगी। एंड देन इनिशिएट आरएनए आई, और इसी वजह से ये क्या इनिशिएट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब किसी चीज में इंटरफेयर कर रहे हो बार बार, कि मतलब उसको अपना वर्क नहीं कर दे रहे हो, तो वो क्या कहेगा, इंटरफेयर मत करो। तो यहां पे आरएनए क्या करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। एंड द साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए, जो निमेटोड जो आएगा यहां पर, ये जो मेलोटीज इनकोग्निस जो निमेटोड आया, इसका जो एमआरएनए होगा उसको क्या कर देगा, साइलेंस कर देगा ऑफ द निमोटेड। समझ में आ चुका होगा। द कॉन्सिक्वेंस वाज दी टेड द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ए ट्रांसजेनिक होस्ट, तो इसकी वजह से जो पैरासाइट आया है मेलेटिनाइन जो इनकोग्निशिया जो आया है, वो जो पैरासाइट आया वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी पसंद की प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, डीएनए से एमआरएनए बना पा रहा है, एमआरए ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोटीन नहीं बन पा रही है। एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए, क्योंकि इंटरफेयरिंग आरएनए हो रहा है, द ट्रांसजेनिक प्लांट देयर फॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्लांट। तो ये ट्रांसजेनिक क्यों बोल दिया, क्योंकि हमने इसके अंदर जो जीन्स है वो बाहर से लेके आए थे, उसके अंदर मॉडिफाइड किया था। अब यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो रूट दिखाई है वो टिपिकल क्रोन जो कंट्रोल्ड प्लांट है उसके अंदर दिखाई गई है। ये जो 5 डेज आफ्टर डी लिबरेटिंग इन्फेक्शन ऑफ निमोटाइड बट प्रोटेक्टिंग थ्रू द नोवल मैकेनिज्म के थ्रू जो प्रोटेक्ट करके ये यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर है। ओके, ये तो था एग्रीकल्चर के अंदर। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मेडिसिन के अंदर। अब देखिए रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है वो इंपैक्ट डालती है किसके अंदर, हेल्थ के अंदर के अंदर। यानी हमने बात ये की थी कि ज़्यादातर यहाँ पर एग्रीकल्चर और हेल्थ के अंदर ही जो है वो इंप्रूवमेंट के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाय एनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स, यानी अलग अलग टाइप की जो ड्रग्स वगैरह है उसको ज़्यादा सेफ और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन। फर्दर द रिकॉम्बिनेशन थेरेपेटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवॉन्टेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी जो रिकॉम्बिनेशन थेरेपेटिक ड्रग्स होती है वो अनवॉन्टेड इम्यूनोलॉजी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है वो नहीं आ पाता है। एज इन कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्स, यानी नॉन ह्यूमन से आप कोई अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स या कोई ड्रग्स बना देते हैं उससे जो वो कोई रिस्पॉन्स आने लगता है, तो वो जो रिकॉम्बिनेशन थेरेपेटिक ड्रग्स की वजह से बनाएंगे वो रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आएंगे। एट अ टाइम अगर हम यहाँ पे बात करें तो 30 रिकॉम्बिनेटिक थेरेपेटिक्स ड्रग जो है वो अप्रूव हो चुकी है और ह्यूमन यूज आ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर टोटल 12 जो थेरेपेटिक्स ड्रग्स है वो यहाँ पर अभी भी मार्केटेड हो रही है, यानी इंडिया में टोटल 12 ही जो है वो रिकॉम्बिनेशन के द्वारा बनाई हुई ड्रग्स ही यूज होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं इंसुलिन के बारे में कि कैसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग हम इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पता है कि इंडिया जो है वो डायबिटीज़ के अंदर नंबर 1 है, यानी सबसे ज़्यादा पेशेंट इंडिया के अंदर मिलते हैं। मैनेजिंग ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल टेकिंग इंसुलिन, और जो डायबिटीज पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, अगर पेशेंट वर्स हो जाती है कंडीशन, उस टाइम पर रेगुलर इंसुलिन लेना पड़ता है। अब वहाँ पर होता क्या, जो डायबिटिक पेशेंट है अगर वहाँ पर ह्यूमन इंसुलिन जो है वो अवेलेबल ना रहे तो आपको पता है बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है।
अब यहाँ पर होता क्या, देखिए रियलाइज दैट वन वुड हैव आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल। अभी टाइम पे क्या हो रहा है कि हम जो आइसोलेट करें बाहर किसी अदर एनिमल से और फिर उसको यूज़ करिए, तो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो उतनी इफेक्टिव है जितनी ह्यूमन बॉडी खुद बनाती है? जी नहीं, उतनी इफेक्टिव नहीं है। जो बाहर से इंसुलिन लेने वाली अगर इतनी इफेक्टिव होती तो एक बार लेते, बार बार उसको जो है इंटरवल पे, टाइम इंटरवल पे, रेगुलर टाइम इंटरवल पे नहीं लेना पड़ता। इसके अलावा वुड इट नॉट इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी, और उतना अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरिया वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन। अब ये सोचिए कि कोई बैक्टीरिया अगर ह्यूमन इंसुलिन बना पाता तो सारा जो प्रोसेस है वो इतना सिंपल हो जाता और हमें जो है वो केवल लार्ज क्वांटिटी के अंदर इंसुलिन मिल जाती, क्योंकि हमें केवल बैक्टीरिया को ग्रो करना था और फिर वो इंसुलिन बना पाते। ये चीज़ आपको पता है। अब देखिए, अब सिंपल सिंपल से यहाँ पे कुछ एक पॉइंट आपको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहाँ से ज़्यादातर नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंट में तो काफ़ी। अब इंसुलिन जो होता है वो एक डायपेटिशियन यूज़ करता है, और वो जो निकाली जाती है वो जो स्लोकर्ड कैटल वगैरह पिग्स वगैरह होते हैं जिनको मार दिया जाता है, उनके पैनक्रियाज से जो इंसुलिन निकाली जाती है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अब इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स जो होती है वो कुछ एक पेशेंट के अंदर क्या कर सकती है, एलर्जी वगैरह जो है वो रिएक्शन कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी इंसुलिन एक्चुअल में है क्या, एक हार्मोन है, और हार्मोन क्या होता है, प्रोटीन है। अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू बी फॉरिजन प्रोटीन, तो ये जो बाहर से प्रोटीन आई है उसमें अदर टाइप की रिएक्शन भी हो सकती है या एलर्जी भी हो सकती है। अब इंसुलिन होती कैसी है, देखिए इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। एक्चुअल में जो एक इंसुलिन होती है ह्यूमंस के अंदर, उसके अंदर दो चेन होती है, एक को हम बोलते हैं चेन ए और एक को बोलते हैं चेन बी, और ये लिंक होती है टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड ब्रिज। अब यहां से लेकर ये पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लियर है? कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो 2010 में, 14 में, 16 में, नीट 2020 और नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है? ध्यान से समझिए, यहाँ पर दो चेन होती है, देखिए ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, और ये इंसुलिन है, और ये देखिए यहाँ पर एक सल्फाइड लिंक हो गया और ये दो सल्फाइड लिंक हो गए, तो इसको बोल दिया डाइसल्फाइड ब्रिज, यहाँ पर लिंक होती है, ये एक मैच्योर इंसुलिन है। पर मैमल्स के अंदर अगर हम मैच्योरिटी से पहले वाले की बात करें, हमें बताया था इंसुलिन एक हार्मोन है, इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड ए प्रो हार्मोन, तो ये पहले जब स्टार्टिंग में बनाया जाता है पैनक्रियाज के अंदर तो ये प्रो हार्मोन की फॉर्म में रहता है, यानी ये जो है वो एक मैच्योर नहीं है, इनिशियल स्टेज में होता है, लाइक ए प्रो एंजाइम, जैसे एक प्रो एंजाइम होता है उस तरह से। फिर ये जो प्रो हार्मोन होता है इसको प्रोसेस किया जाता है और फिर इसको फुल्ली मैच्योर किया जाता है, यानी फंक्शनल हार्मोन किया जाता है। तो इस प्रो हार्मोन को जब फंक्शनल हार्मोन कर रहे होते हैं तो इसके अंदर एक सी पेप्टाइड एक्स्ट्रा होती है, उस एक्स्ट्रा स्टेज को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है वो प्रो इंसुलिन लिखी है, यहाँ पर ये ब्लू कलर में चेन ए है और ये ग्रीन कलर के अंदर चेन बी है, और ये जो ग्रे कलर हमें दिखाई दे रहा है ये सी पेप्टाइड है। तो ये प्रो इंसुलिन को जब इंसुलिन में कन्वर्ट करेंगे तो सी पेप्टाइड को रिमूव कर देंगे और इसको डाइसल्फाइड से लिंक कर देंगे, यही लिखा है। देखिए द सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन ए मैच्योर इंसुलिन, वहां पर नहीं होती है, रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू ए मैच्योर फॉर्म। अब देखिए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो काफी कॉम्प्लेक्स इस वजह से है, यहाँ पे जो मेन चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसको असेंबल कैसे करें एक मैच्योर में, हमें ये मिल जाती है, सॉरी हमें ये मिल जाती है प्रो इंसुलिन, तो इसको इसमें कैसे लेके आए। तो इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, किसके द्वारा, देखिए इन 1983 जब इंडियन वर्ल्ड कप हुआ था, आपको मूवी भी आई हुई है वो भी देखा होगा, ये क्रिकेट से रिलेटेड वालों के लिए, क्लियर। 1983 एली लीली एन अमेरिकन कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है एली लीली, प्रीपेयर टू डीएनए सीक्वेंस, उन्होंने दो डीएनए सीक्वेंस बनाया, एक ए डीएनए सीक्वेंस और एक बी डीएनए, मान लीजिए यहाँ पे दो डीएनए सीक्वेंस है अलग अलग, एक को ए नाम दे दिया एक को बी नाम दे दिया, चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन बना सकती थी उसके दो डीएनए सीक्वेंस यहाँ पर डाले गए, जो ए चेन को बना सकती थी, जो बी चेन को बना सकती थी, कहाँ पे डाला गया, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, जो ई कोलाई का प्लाज्मिड था उसमें डाला गया, एंड टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। तो यहाँ पर जो ए डीएनए डाला था वो चेन बनाएगा, जब प्रोटीन बनाएगा तो यहाँ पे बनेगी ए चेन और ये जो है वो बनेगी बी चेन, किसके अंदर, ई कोलाई के प्लाज्मिड के अंदर। फिर क्या करेंगे, ये जो चेन ए और चेन बी मिली है इनको सेपरेटली अलग अलग बना के एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल के कंबाइन कर देंगे, किसकी वजह से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और बन जाएगी ह्यूमन इंसुलिन। ये किसने किया था, ईली लीली कंपनी, अमेरिकन कंपनी है, 1983 में इन्होंने ऐसा किया था, क्लियर हो गया।
ओके अब हम बात करते हैं जीन थेरेपी के बारे में। सिंपल सा वर्ड है यहाँ पर जीन थेरेपी, इसका मतलब कोई डिफेक्टिव जीन वगैरह होगा उसको थेरेपी के द्वारा हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पर्सन बोर्न नहीं होता एक हेरिडिटी डिजीज़ के द्वारा, तो वहाँ पर क्या होगा उस डिजीज़ को हमें सही करने के लिए जीन थेरेपी जो है उसका अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे जो डिफेक्टिव जीन वगैरह है उसको क्योर कर पाएँ। तो लिखा देखिए, द जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ द करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट। यानी यहाँ पर कोई जो डिफेक्ट है जिसके अंदर कोई जीन ऐसा है जिसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ चुका है, तो उसको करेक्ट कर पाएं, दैट हैज बीन डायग्नोस्ड इन ए चाइल्ड और एम्ब्रियो, यानी किसी चाइल्ड और एम्ब्रियो के अंदर डायग्नोज करके उसको करेक्ट कर पाएं, ये चीज हम कर पाएं। तो होगा क्या, जीन थेरेपी हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इन टू ए पर्सन सेल, यानी यहाँ पर जीन्स को इंसर्ट किया जाएगा एक पर्सन सेल्स के अंदर एंड टिश्यू के अंदर टू ट्रीट द डिजीज, यानी उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए। 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ओके आगे बात करते हैं, करेक्शन ऑफ ए डिफेक्टिव जीन इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इन टू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो, यानी यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक नॉर्मल जो जीन है उसको एक इंडिविजुअल या फिर जो एम्ब्रियो है उसके अंदर डाला जाएगा, और फिर ताकि जो फंक्शन कर पाएगा, टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ कंपनसेट द नॉन फंक्शनल जीन, यानी जो पहले से जीन प्रेजेंट है बट वो फंक्शन नहीं परफॉर्म करा पा रहा है, या उसी वजह से किसी वजह से उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, उसमें एक नॉर्मल जीन जो है वो उसकी जगह पे हम एक इंडिविजुअल के अंदर डाल देंगे। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले जीन थेरेपी कहाँ पे दी गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से AIPMT 2009 में, 12 में, नीट 2016 और नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो थी वो दी गई थी 1990 के अंदर टू ए 4-year-old girl, यानी एक 4-year-old girl थी उसको दी गई थी सबसे पहले जीन थेरेपी 1990 के अंदर विद एडिनोसाइन डी एमिनेज डेफिशिएंसी, यानी ADA की डेफिशिएंसी वहाँ पे थी, एडिनोसाइन डी एमिनेज डेफिशिएंसी थी। अब यहाँ पर ये जो एंजाइम होता है एडिनोसाइन डी एमिनेज इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम, तो यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम होता है उसको फंक्शन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन सा एंजाइम, एडिनोसाइन डी एमिनेज, जब इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो यहाँ पर क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई। द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीटेशन ऑफ ए जीन, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये डिसऑर्डर क्यों हुआ, क्योंकि डिलीटेशन ऑफ ए जीन, यानी जो जीन था वो डिलीट हो गया फॉर एडिनोसाइन डी एमिनेज जो कि वो एंजाइम बना रहा था। इन सम चिल्ड्रन, कुछ ऐसे चिल्ड्रन, एडिनोसाइन डीएफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, कुछ ऐसे थे जिनके अंदर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा इस डिजीज को क्योर किया जा रहा था। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय द एंजाइम रिप्लेसमेंट, और कुछ ऐसे थे जहां पर एंजाइम जो था ये वाला एंजाइम एडिनोसाइन डीएमिनेज वाला जो एंजाइम है उसको बार बार रिप्लेस करके जो वो थेरेपी दी जा रही थी। इन विच फंक्शनल ADA इज गिवन टू द पेशेंट बाय द इंजेक्शन, जिसको इंजेक्शन के द्वारा ये फंक्शनल ADA जो था वो दिया जा रहा था। तो ये दो थेरेपी पहले चल रही थी, क्लियर है, एक तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा यहाँ पर ये दिया जा रहा था, और या फिर एंजाइम को रिप्लेस किया जा रहा था। अब यहाँ पर देखिए, बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोच दैट वी आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेटिव, पर यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि ये कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं था। एज ए फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स द जीन थेरेपी, सबसे पहले जब जीन थेरेपी हुई यहाँ पर क्या किया गया, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट, यानी जो पेशेंट है जिसको ये वाली डिजीज है उसमें से लिम्फोसाइट जो है उसको बाहर निकाला गया पहले, आर ग्रोन इन ए कल्चर मीडियम, और फिर उसको कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया, ए फंक्शनल ADACDNA, और फिर जो फंक्शनल ADA था, यानी जो ADA बना पा रहा था, जो एडिनोसाइन डीएमिनेज का जो फंक्शनल जीन था उसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA, CDNA, यहाँ पर ये स्मॉल CDNA का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री DNA, उसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA यूजिंग ए रेट्रोवायरल वेक्टर, एक रेट्रोवायरल वेक्टर को यूज करते हुए इंट्रोड्यूस किया गया इस लिम्फोसाइट के अंदर, यानी जो पेशेंट का लिम्फोसाइट हमने पहले बाहर निकाला था उसको बारे कल्चर मीडियम के अंदर ग्रो किया था, उसके अंदर एक फंक्शनल ADA कॉम्प्लीमेंट्री DNA जो था वो डाला गया। क्लियर हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूजिंग ए रेट्रोवायरल वेक्टर, क्योंकि ऐसे 2013 में और 18 में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपको याद रखना है। विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, और फिर ये जो लिम्फोसाइट था इसको जब ग्रो करके और उसके अंदर ADA फंक्शनल ADA कॉम्प्लीमेंट्री DNA के थ्रू डाल दिया गया, वो वापस पेशेंट के अंदर वो लिम्फोसाइट डाल दिए गए।
However, all these cells are not immortal. तो यहाँ पर ये भी पता है कि ये जो सारे cells हैं ये completely complete lifespan तक नहीं चलेंगे. तो यहाँ पर the patient require a periodic infusion. यहाँ पर भी वापस है, एक time के बाद में वापस यहाँ पर ये चीज़ें same करनी पड़ेगी. Observe genetically engineering lymphocyte जो वापस डालनी पड़ेगी. However, ये completely cure कब हो सकता है? Completely cure अभी भी नहीं हुआ है, but completely cure कब हो सकता है? If the gene isolated from marrow cell produce ADA is introduced in the cell of early embryonic stage. यानी जो हमारा ADA था, ये जो normal functional ADA वाले जो cells थे, complementary DNA वाले, अगर इसको early embryonic stage के अंदर ही अगर हम उसको insert कर पाएं तो it could be permanent cure. Otherwise, यहाँ पर ये जो चीज़ की गई थी इसमें भी ये completely permanent cure नहीं था. Clear? Okay. अब हम बात करते हैं मोलिकुलर डायग्नोस के बारे में, यानी अलग अलग मोलिक्यूल्स होते हैं उनको डायग्नोस करके हम कैसे डिजीज़ को जान सकते हैं. देखिए सबसे पहले लिखा है अफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. अगर एक किसी डिजीज़ को अफेक्टिवली ट्रीट करना है तो वहाँ पर अर्ली डायग्नोस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जानने के लिए. यूजिंग कन्वेंशनल जो पुराने मेथड थे जहाँ पर हम डायग्नोस करते थे, जैसे सीरम को डायग्नोस कर लिया, यूराइन का एनालिस कर लिया, यहाँ पर अर्ली डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था. यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन जो था वो पॉसिबल नहीं था. यानी डिजीज़ होने के बाद में हम उसको जो है वो डायग्नोस कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा यही पता लग सकता था कि ये डिजीज़ है या नहीं है. फिर उसके बाद में आती है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी. जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी उसके अंदर दो मेन आती है. एक आती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज पीसीआर, और सेकेंड आती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे दैट इज एलिशा. आर सम ऑफ द टेक्निक दैट्स आर द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोस. यानी यहाँ पर इन दोनों टेक्निक्स के द्वारा हम अर्ली डायग्नोस कर सकते थे. AIPMT 2003 में, 2004 में और नीट 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है. यानी जो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर दो आती है, एक PCR और एक ELISA. इनके द्वारा हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं. अब एक एक करके पढ़ेंगे, पहले PCR के बारे में, देन हम ELISA के बारे में. प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन, यानी कोई भी बैक्टीरिया फिर वायरस अगर किसी नॉर्मल सेल के अंदर सस्पेक्ट होता है, ओनली द पैथोजन हैज प्रोड्यूस ए डिजीज सिम्टम. तो पहले वाली चीज़ क्या थी, जब डिजीज़ के सिम्टम आ जाते थे तभी हम सस्पेक्ट कर पाते थे कि हाँ इसमें कोई पैथोजन आ गया और इसको डिजीज़ कोज कर दी है. और तब तक क्या होता था, बाय दिस टाइम द कंसनट्रेशन ऑफ द पैथोजन, जो पैथोजन था वह बैक्टीरिया वायरस जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म था, उसके नंबर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाते थे बॉडी के अंदर, फिर उसका जो है वो क्योर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था. तो अर्ली डायग्नोस में क्या हो जाएगा, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस, यानी कोई बैक्टीरिया वायरस जो पैथोजन जो भी बॉडी में आया है, एट द टाइम व्हेन द सिम्टम ऑफ डिजीज आर नॉट येट विजिबल, ताकि हमें अभी बॉडी के अंदर सिम्टम आए भी नहीं है, कैन बी डिटेक्ट बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय PCR. तो उसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर उसका जो न्यूक्लिक एसिड है उसको एम्पलीफाई कर लेंगे बाय द PCR. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हमने लास्ट चैप्टर में डिटेल में देखा था कि क्या कुछ होता है, उस तरह से बिलियंस कॉपी बना ली जाती है. PCR इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV, और ये अभी रूटीनली यूज होती है किसको डिटेक्ट करने के लिए, सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट के अंदर HIV को डिटेक्ट करने के लिए. 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है. इट इज बींग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन ए जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हमें लग रहा है किसी पेशेंट के अंदर कैंसर हो सकता है तो उसके अंदर जो जीन्स म्यूटेट्स कर चुके हैं उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द PCR. और इसके अलावा आपने देखा था कोविड के अंदर भी क्या हो रहा था, RT-PCR जो वो यूज़ किया जा रहा था. RT-PCR का मतलब क्या था, PCR ही किया जा रहा था. इट इज़ ए पावरफुल टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर. इसके अलावा PCR के अंदर बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर को भी डायग्नोस किया जा सकता है. क्लियर है? ओके. अब एक और चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ये कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ से ये वाला जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ यहाँ से AIPMT 2010 में, 12 में, इसके अलावा आपके नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है. देखिए यहाँ पर जो ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी है, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं. यहाँ पर मान लीजिए एक पेशेंट है, उसके अंदर DNA या फिर RNA, यानी हम जो हमने बात की थी जो डिफेक्टिव जीन वगैरह आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर पेशेंट जो होता है उसके अंदर ऑटो रेडियोग्राफी भी होती है. अब उसमें होता क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक DNA है. DNA हमारे अंदर कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं. हमारे अंदर DNA कैसे होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं. उसका एक स्ट्रैंड बाहर निकाल लिया, क्या कर लिया, उसका एक स्ट्रैंड बाहर निकाल लिया और उसको टैग कर लिया विद ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल. यानी वहाँ पर कोई जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है उसको रिप्लेस करके उसको रेडियो एक्टिव कर लिया. जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है उसको बोला जाता है प्रोब, और यहीं से क्वेश्चन आए थे दो बार AIPMT में. फिर उसको क्या कर दिया जाता है, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA. फिर यहाँ पर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि हमने डबल स्ट्रैंड DNA ना, इसको रेडियो एक्टिव करके और फिर इसका जो दूसरा स्ट्रैंड था उसके साथ में क्या कर देंगे, वापस क्लोन कर देंगे और वहाँ पे हम डिटेक्ट करेंगे रेडियोग्राफी की मदद से. ध्यान से देखिए,
यहाँ पर क्या किया, हम एक स्ट्रैंड डीएनए का निकाला, क्लियर है, उसको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के अंदर डाला, फिर वापस जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए थे उसके साथ हाइब्रिडाइज कर दिया। हाइब्रिड में कई बार बता चुका हूँ, मिक्स करना, उसको वापस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ मिक्स कर दिया। इन्हें क्लोन सेल समझते हो, यानी बोथ टाइप के उस टाइप के सेल होंगे जिसमें हमें डिटेक्ट करना है बाय फॉलोइंग डिटेक्शन ऑफ द यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है, इसी टाइप से हम जो डिफेक्टिव जीन वगैरह होता है उसका पता लगाते हैं। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, जिसके अंदर भी म्यूटेटेड जीन आ गया, हैंस नॉट अपीयर इन द फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर हम एक्सरे यूज करते हैं, फिर फोटोग्राफिक फिल्म निकालते हैं, तो जो म्यूटेटेड जीन होगा उसके अंदर यहाँ पर जो है वो हमें फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं दिखाई देगा, नॉट अपीयर, नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो हमने प्रोब तैयार किया था, जो रेडियो एक्टिव वाला जो सिंगल स्ट्रैंड तैयार किया था, विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेट जीन, क्योंकि जो जीन म्यूटेट हो चुका है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा इसके साथ में। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, मान लीजिए ए टी ए वाला हमारे पास में जो था, सॉरी हम मान लेते हैं ए टी ए वाला जो था वो हमारे पास में एक नॉर्मल रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल था, तो ए के सामने टी आता है, टी के सामने ए आता है, ए के सामने टी आता है। अब मान लो ये म्यूटेटेड हो गया, क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया, तो ये मान लेते हैं ट्रिपल ए हो गया, तो अब क्या आएगा, इसके सामने टी टी और टी आ जाएगा, ये समझ रहे हो ना, डीएनए वाला। तो इस टाइप से ये म्यूटेटेड अगर हो गया, तो यहाँ पर अगर ये पहले ये था ए टी ए वाला, तो हमने तो केवल एक ही स्ट्रैंड निकाला है ना, सिंगल स्ट्रैंड निकाला है, और इसको रेडियो एक्टिव कर दिया, तो अब होगा क्या, देखिए ए ए ए यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएगी, और इस चेंज होने की वजह से जो पहले वाला स्टैंड था वो इसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने आने थे ट्रिपल टी, बट यहाँ पर हमारे सामने केवल टी ए टी है, और ये चीज़ जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए ये फोटोग्राफिक फिल्म पर हमें दिखाई नहीं देता है। इलिसा क्या है, इलिसा जो है वो बेस है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे, काफी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है क्वेश्चन, इलिसा किस पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल किसी पैथोजन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां पे एंटीजन जो आते हैं जिसके रिस्पॉन्स में एंटीजन बनती है, वो चाहे प्रोटीन हो सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है एंटीजन, उसको डिटेक्ट किया जाता है। या फिर क्योंकि एंटीजन है तो एंटीबॉडीज भी बनेगी, तो हम जो एंटीबॉडीज बन रही है अगेंस्ट द पैथोजन उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, कितनी एंटीबॉडीज बन चुकी है, ये होता है इलिसा के अंदर, क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, उनका डीएनए जो होता है वो मैन्युपुलेट किया जाता है, एक नॉर्मल जो आपका एनिमल होता है उसके डीएनए को मैन्युपुलेट किया जाता है, प्रोसेस एंड एक्सप्रेशन एंड एक्स्ट्रा जीन, और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जीन डाल दिया जाता है, अब यहां पर क्या होगा, नॉन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो यहां पर उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलेंगे। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स आपके रेड्स हो सकते हैं, रैबिट्स हो सकते हैं, पिग्स, शिप, काउस, फिश वगैरह भी बहुत सारे टाइप के ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो सकते हैं, बट जो टोटल जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उसमें 95% जो वो केवल आपके क्या है, माइस है, यहां से AIPMT में क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है। अब यहाँ पर इनका बेनिफिट वगैरह क्या है, लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजन कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्यों जरूरी है कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या हो रही है, नॉर्मल डेवलपमेंट क्या हो रही है, उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, पहला तो ये हम स्टडी कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से कि कोई जीन जो होता है वो कैसे रेगुलेट होता है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन, और वो नॉर्मल फंक्शन उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है एक जीन ऑफ द बॉडी और जो जीन है उसका डेवलपमेंट। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन द ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर अगर है उसकी स्टडी कर सकते हैं हम इसमें, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल अफेक्ट दैट रिजल्ट, और फिर उसको चेंज करके क्या अफेक्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, वो चीज़ की स्टडी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। सेकंड है किसी डिजीज को स्टडी कर सकते हैं, मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजायर टू इंक्रीज ओवर स्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, यानी कैसे वो डिजीज है वो डेवलप होती है, फिर अगर हमें डिजीज का पता चल गया तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी हम बना सकते हैं। दे आर स्पेसिफिकली मेड टू सर्व एज द मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज मेड, ताकि जो अगर डिजीज का हमें पता चल जाए कैसे होती है, क्या कुछ होता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम कर पाएं। टूडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो होते हैं वहाँ पे मैनी ह्यूमन डिजीज को स्टडी किया, फॉर एग्जाम्पल कैंसर, सिस्टोरिक फाइबरस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर वगैरह जो है ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर स्टडी की जाती है कि कैसे कुछ होती है।
थर्ड आता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बहुत टाइप की मेडिसिंस वगैरह हम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसके अंदर भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का रोल आ सकता है। मेडिसिनल रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टन ह्यूमन डिजीज कैन बी कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक, पर इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो वहाँ पर यूज़ होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए पोर्शन ऑफ द डीएनए और जीन। तो कोई एनिमल है, अगर उसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो जीन अगर हम डाल दें तो वो प्रोडक्ट हमें नेचुरली वहाँ से मिलता रहेगा, और ये जो हम अगर लेबोरेटरी में उसको बनाते तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता था। विच, अब यहाँ पर देखिए, विच कोड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिया है सच एज ह्यूमन प्रोटीन, यानी अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है ह्यूमन प्रोटीन, जो कि एम्फाइसीमा को ट्रीटमेंट करने के लिए यूजफुल होता है। अगर हम उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू बना पाएं तो यहाँ पर एम्फाइसीमा का ट्रीट करने के लिए वो प्रोटीन हमें आसानी से मिल जाएगी, एज अगर हम उसको लेबोरेटरी में बनाएंगे उसके बजाय। सिमिलर इसी टाइप का अटेम्प्ट जो हो चुके हैं टू ट्रीट द फिनाइल क्यूटोनूरिया, इसी टाइप का जो ट्रीटमेंट है, इसी टाइप की सेम चीज़ें हम यूज़ कर चुके हैं कि फिनाइल क्यूटोनूरिया को ट्रीट कर पाएँ इस टाइप से, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट कर पाएँ इस टाइप से, हम क्या चीज़ प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे ये डिफेक्टिव जीन वगैरह हम बना पाएँ, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? ओके, अब 1997 में इस टाइप से कुछ किया भी गया था, तब फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी, यानी वहाँ पर सिंपल है कोई जीन ऐसा डाल दिया गया था उस काउ के अंदर जो हमें यूजफुल था, वो प्रोडक्ट वो बना के दे रही थी। अब यहाँ पे क्या होता, देखिए एक रोजी जो है वो काउ प्रोड्यूस की गई, जो प्रोड्यूस करती थी ह्यूमन प्रोटीन, जो ह्यूमन प्रोटीन होता है उस टाइप का रिच मिल्क जो है उस रोजी काउ के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, और ये जो हमारा ह्यूमन इनरिच प्रोटीन है वो कितना होता था 2.4 ग्राम पर लीटर, एक लीटर के अंदर 2.4 ग्राम वो प्रोटीन मिल जाता था। क्लियर है? द मिल्क कंटेन द अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन, ये जो ह्यूमन रिच प्रोटीन था, जो ह्यूमन को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, वो जो इनरिच मिल्क था उसके अंदर वो कौन सी प्रोटीन थी, वो थी अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी। यहाँ से हमारा AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ भी चुका है। एंड वर न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज, और ह्यूमन बेबीज के लिए एक नेचुरली काउ द्वारा ये अगर बना दिया जाएगा तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू देगा एक नॉर्मल काउ के बजाय। उसके अलावा हम वैक्सीन सेफ्टी है वो भी हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। फॉर एग्जांपल ट्रांसजेनिक माइस जो होते हैं वो डेवलप इसलिए किए जाते हैं ताकि वहाँ पर जो है हम टेस्टिंग कर पाएँ वैक्सीन वगैरह की, कि वो कितनी सेफ है ह्यूमन को यूज़ करने से पहले उन माइस के ऊपर यूज़ की जाती है। लिखा हुआ है ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को भी सबसे पहले ट्रांसजेनिक माइस के ऊपर टेस्ट किया गया था। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, फिर उसके बाद में ये सक्सेसफुल और रिलायबल हुआ तो उन्होंने किसको रिप्लेस कर दिया, जो पहले हम मॉन्कीज यूज करते थे उसकी बजाय किसको यूज करने लग गए, माइस को, फॉर द टेस्ट ऑफ द इन द वैक्सीन। इसके अलावा केमिकल सेफ्टी, यानी कौन सा केमिकल कितना ज़्यादा सेफ हो सकता है वो भी, नॉन एज टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, द प्रोसीजर इज सेम एज दैट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स, यानी कोई ड्रग्स कितना टॉक्सिक हो सकता है वो सेम प्रोसीजर यहाँ पे अपनाया जाता है। यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होते हैं कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव, यानी उनके पास ऐसा जीन डाल दिया जाता है जो ज़्यादा सेंसिटिव होगा किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का, देन द नॉन ट्रांसजेनिक, एक नॉर्मल एनिमल के बजाय जो ट्रांसजेनिक एनिमल होंगे उनके अंदर ऐसा जीन डाल दिया जाएगा ताकि वो किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस से उसको ज़्यादा सेंसिटिव हो, दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड द अफेक्ट स्टडी, और फिर उनको टॉक्सिक सब्सटेंस में डाला जाएगा और क्या अफेक्ट आए उसको स्टडी किया जाएगा। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन द लेस टाइम, और इसके लेस टाइम पर हमें ये रिजल्ट मिल जाता है। जो वैक्सीन सेफ्टी वाला जो हमारा पोर्शन था यहाँ से AIPMT 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है? ओके, लास्ट टॉपिक है इथिकल इश्यूज। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम उनको क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से मॉडिफाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। तो अगर हम विदाउट रेगुलेशन ऐसा करते रहे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हमें फेस करने पड़ सकते हैं। सम इथिकल स्ट्रैंड आर रिक्वायर्ड टू इवोल्यूट, यानी हमें इथिकल जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, कोई मॉरलिटी भी नाम की चीज़ होती है, कुछ मॉरल भी होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, उस वजह से माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि यहाँ पर जो हम जो हार्म कर रहे हैं एक्चुअल में, तो हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको हार्म कर रहे हैं या फिर हेल्प करें, तो वो एक्टिविटीज़ की वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप भी तो करना पड़ेगा। गोइंग बियॉन्ड द मॉरलिटी, अब मॉरलिटी के बाहर जाने से पहले पहले बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ सच थिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ताकि हमें ये भी पता चलना चाहिए कि मॉरलिटी तो हमारी है ही है, कि हम भी कुछ मॉरल रखते हैं लाइफ के अंदर, तो हमें इतनी ज़्यादा एक्सपेंड जो इसको नहीं करना चाहिए, बट उससे पहले बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका
उदाहरण है कोविड-19। आपको पता है कोविड-19 कैसे आई है? जेनेटिकली मॉडिफाइड की वजह से वो आई है। आपको सिंपल पता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट। उसके ऐसे ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं जो किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किए हो सकते हैं। व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इनटू द इकोसिस्टम, जब ऐसे ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम के अंदर रिलीज किए जा सकते हैं तो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ सकते हैं। आपको भी पता है कोविड-19 की सच्चाई, यहाँ से क्लियर है। Therefore, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट टाइप और ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा GEAC, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। यानी जो भी जेनेटिक से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग होगी उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा इस कमेटी के थ्रू। यहाँ से हमारे पास 2015 और 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। अभी क्या कहते हैं, विच विल मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रिसर्च हुई है उसकी कितनी वैलिडिटी वगैरह होगी उसके डिसीजन लेंगे, एंड द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। और ये जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सर्विस ऑर्गेनिज्म लेकर आए हैं इसको पब्लिक सर्विस के लिए लेकर आना और कितना सेफ है उसका डिसीजन भी GEAC लेता है इंडिया के अंदर। द मॉडिफिकेशन यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस फूड मेडिसिन सोर्स फॉर एग्जाम्पल हैव ऑल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम विद द पेटेंट ग्रांटेड फॉर द सेम। अब ये जो अप्रूवल कमेटी है कुछ पेटेंट भी देती है, तो यहाँ पर जब पेटेंट वगैरह होते हैं तो वो कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वही चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। देखिए, देर इज ए ग्रोविंग पब्लिक एंगर, यहाँ पर पब्लिक के अंदर एक एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? द सर्टेन कंपनीज आर बींग ग्रांटेड पेटेंट फॉर प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक अस यूज द जेनेटिक मटीरियल प्लांट्स एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड developed and used by the farmer and indigenous people of a specific region or country। किसी एक specific region और country में रहने वाले या farmer जो है एक biological resources को बहुत time से develop और use कर रहे हैं और उन्होंने उस चीज़ को identify किया है, और फिर क्या होता है, एक company आ जाती है और वो कहती है उसका patent लेकर बैठ जाती है, फिर उससे product और technology बनाकर उसको बेचती है और उससे पैसे बनाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस चीज़ का patent का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए उसके प्रति गुस्सा बढ़ जाता जा रहा है। एग्जाम्पल दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट, राइस इज एन इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन। राइस इंडिया में आपको पता है कि इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है। द प्रेजेंस ऑफ इच गेज बुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री, और एशिया की एग्रीकल्चर में थाउजेंड्स ऑफ ईयर से राइस यहाँ पे ग्रो किया जाता है। देर आर एस्टिमेट 200,000 वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया एलोन, केवल इंडिया के अंदर 200,000 वेराइटीज मिल जाएगी राइस की। द डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी डाइवर्सिटी जो राइस की जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रकार की राइस हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आता है बासमती राइस। बासमती राइस फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती आर ग्रोइन इन इंडिया। तो 27 अलग अलग वेराइटीज जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर रजिस्ट है वो बासमती की जो वेराइटीज़ है वो इंडिया में ग्रो की जाती है। देर आर रेफरेंस ऑफ बासमती एंशियंट टेक्स, जो पुराने टेक्स्ट वगैरह हैं, फोल्कलोर वगैरह, पोइट्री वगैरह है, उनके अंदर भी बासमती राइस का जो है वो रेफरेंस है। हैज़ बीन ग्रोन फॉर मैनी सेंचुरीज, पर होता क्या है एक्चुअल में, अब यहाँ से जो है वो एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जहाँ से 2018 में क्वेश्चन भी आ चुका है। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गोट पेटेंट राइट ऑन बासमती। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी जो बासमती राइट पर पेटेंट ले लेती है, और वो क्या करती है, US पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस के, जो US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है वहाँ पर बासमती राइट का पेटेंट ले लेती है। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल ए न्यू वेराइटी ऑफ बासमती, और ये इससे अलाउ हो जाता है कि वो कंपनी एक न्यू वेराइटी ऑफ बासमती को सेल कर सकते हैं इन द US में और US के बाहर भी। ये जो न्यू वेराइटी है बासमती की वो एक्चुअली में ड्राई हुई है इंडियन फार्मर वेराइटी से। इंडियन फार्मर की जो बासमती की वेराइटी है उसी से उन्होंने जो है वो नई वेराइटी बनाई है और उसका मिसयूज करें। अब इंडियन बासमती वास क्रॉस विद सेमी ड्वार्फ वेराइटी, यानी इंडियन बासमती को ले गए और एक सेमी ड्वार्फ वेराइटी के साथ में उसे क्रॉस किया और कह दिया कि हमने उसका इन्वेंशन किया है, बट आपको पता है कि वो पहले से इंडिया में ग्रो हो रही है। द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंट, अब इसमें और क्या चीज़ जो है वो खतरनाक है, इंप्लीफाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट, यानी जिसने पेटेंट लिया है कंपनी ने वो औरों को रेस्ट्रिक्ट कर देगी, उस चीज़ को बेचने नहीं देगी, बासमती राइस को सेल नहीं करने देगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेवरल अटेम्प्ट हैव ऑल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, एग्जाम्पल टर्मरिक नीम, और इस तरह से बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं जहां पर हम जो पहले से प्रोडक्ट और प्रोसेस यूज कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया टर्मरिक नीम का, इनके भी पेटेंट जो है वो अदर
जो फॉरेन कंपनीज वगैरह है, फॉरेन कंट्रीज है, वो ले चुकी है। इफ़ यू आर नॉट वैलिडेट एंड वी नॉट इमीडिएटली काउंटर दिस पेटेंट एप्लीकेशन, तो ये जो पेटेंट एप्लीकेशन, अगर हम उनको काउंटर नहीं किया और ये नहीं कहा कि ये चीज़ें हमारी है, ये गलत हो रहा है, तो अदर कंट्रीज में एनहेंस ओवर रिच लेगेसी एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट। तो हमारी जो रिच लेगेसी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको दूसरी कंट्रीज और इंडिविजुअल कंपनीज वगैरह ले जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक और रोल आता है बायोपायरेसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2018 और 19 में क्वेश्चन आ चुके। देखिए, बायोपायरेसी इज टर्म यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, यानी एक प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं लिया है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में और फिर भी जो बायो रिसोर्सेज वगैरह वो यूज़ किए जा रहे हैं। पायरेसी का मतलब होता है उस चीज़ को नकल करके बना देना, उसकी कॉपीज बनाना, उसको चुरा लेना, सिंपल आ रहा है। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल जो चीज़ें उनको पायरेसी यहाँ पे की जा रही है, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, यानी ना तो उनको कोई कंपनसेट दिया जा रहा है जो वहाँ पर पीपल्स हैं, ना उस कंट्री को कुछ दिया जा रहा है और ना उनसे कोई जो है वो पूछा जा रहा है, कोई अथॉरिटीज़ भी नहीं ली जा रही है, सिंपल वहाँ पे कंपनी जो है उन चीज़ों को चुरा लेती है, तो वो बायोपायरेसी के अंदर आता है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच है, बट जो पुअर जो कंट्रीज है वो बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में काफ़ी रिच है। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड अंडरलाइंग वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अब मान लीजिए जो डेवलप्ड कंट्रीज है, मान लीजिए उनके पास पैसे ज़्यादा हैं बट उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है, एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज जो होनी चाहिए वो भी उनके पास नहीं है, उनके पास केवल फोकट का पैसा है, जैसे एलोन मस्क के पीछे पागल है दुनिया और मैं उसको बिल्कुल भी 1% भी नहीं मानता हूँ। क्लियर है? ओके, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव टाइम। ये मेरा देखिए जो एलोन मस्क को लेकर वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत ज्यादा लोग ऑफेंड होते हैं, वो अपने पास रखे अपना ऑफेंड। कैन ऑल्सो यूज बी यूज टू सेव टाइम एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शियलाइजेशन। देखिए, ट्रेडिशनल नॉलेज काफ़ी जरूरी होती है रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज। अब वहाँ पर होता है क्या, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या कर लेती है, उस चीज़ का एक्सप्लॉइटेड कर लेती है और उसको यहाँ पे सेव टाइम और एफर्ट वगैरह, जो उनका नॉलेज था पहले वालों का, उस नॉलेज को चुरा कर उस चीज़ को यूज़ कर कर और बेच देती है। देयर हैव बीन ग्रोविंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस। तो अभी यहाँ पर ये रियलाइज हो रहा है कि ये इनजस्टिस हो रहा है, धोखा हो रहा है, इनएडिक्वेट कंपनसेशन मिल रहा है, बेनिफिट अच्छे से शेयर नहीं किया जा रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को चुरा के खा के हजम कर रही है। देयर फॉर सम नेशन आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज एक्सप्लॉयटेशन। इसीलिए जो डेवलपिंग ऐसे लॉज बनाए जा रहे हैं ताकि ये अनऑथराइज जो एक्सप्लॉयटेशन है बायो रिसोर्सेज का वो रुक पाए। क्लियर है? और इसी तरह यहाँ से जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने भी कुछ ऐसा काम किया, यहाँ से 2020 में क्वेश्चन हो चुका है। इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल। जो इंडियन पेटेंट बिल है उसके अंदर सेकंड अमेंडमेंट लेकर आई है, दे टेक अप सच इशू इनटू कंसिडरेशन, ताकि इस टाइप के जो इशू उसको कंसिडरेशन किया जा चुके, इंक्लूड पेटेंट टर्म एमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और इस टाइप के चीज़ों को रोका जा सके। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों।